इस तरह से हमने ये दोनों जो ब्लाउज के कपड़े काटे थे उनको इस तरह से सेट करके इसकी कटिंग करनी है। टक वाले निशान भी, जो डॉट पॉइंट्स थे उनको भी साथ में ले लेंगे। फ्रंट की हम साथ साथ छटाई भी कर देंगे। रिब कट हो गए हैं, इसके बाद अब हम जो नीचे वाला फ्लेयर बनाएंगे उसको कट करेंगे। फैब्रिक को इक्वल हमारे पास लेंथ थी, हमने 16 बॉडी पार्ट ले लिया, इसको ले लिया और 43 हमारे को रेडी कर लिया। हाफ इंच यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, और एक डेढ़ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग के लिए ले लेंगे, तो हम 46 इंच इसको ले लेंगे, मिला लेंगे। इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। नायरा कट में जो नीचे प्लेट्स चलेंगी वो फैब्रिक है ये प्लेन सीधा ही कटता है और इसमें यहाँ इस तरह से गैदर्स आएंगे। टॉप पार्ट ठीक है और ये हमारा गैदर्स वाला कप जो कि इस तरह से लगेगा। नीचे तक से इस तरह से हमारी ये प्लेट्स आएगी, इस तरह से ये हमारा ऊपर वाला बॉक्स रहने वाली है। उसके लिए देखिए 12 इंच है, इसको इस तरह से राउंड में निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर 7 इंच के करीबन हमारा मुंडा इसमें तैयार रहने वाला है, तो हम पहले 3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से नाप लेंगे, 5 × 10, 6 × 12, कम हुआ, 4-4 इंच की गोलाई दे दी इसमें। अब हम इसे साथ में फ्लेयर को भी कट कर लेंगे। ये हमारे पास सिंगल फ्लेयर वाली बाजू आएगी हाफ में, जो कि इस तरह से मीन्स जब हम इसको इस तरह से पहनेंगे, इस तरह से वियर करेंगे, इस तरह से हमारे ये लाइन ऑफ फ्रॉक की कटिंग होगी। बिल्कुल सीधी, सिंपल और इजी वे है काटने का भी, स्टिच करने का भी। तो ये रही कटिंग, इसकी स्टिचिंग हम आपको कल करके बताएंगे, कल के वीडियो को आप इंतजार करेंगे।